सो ये आपकी टाटा टियागो ईवी का सेकेंड टॉप वेरिएंट, ये इसका एक्जेड प्लस में आपको लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट मिल जाता है। इसकी प्राइस पड़ जाती है आपको 11.5 लाख ऑन रोड गुवाहाटी की मैं बात कर रहा हूँ। ये विदाउट फास्ट चार्जिंग है और अगर फास्ट चार्जिंग लेते तो आपको ऑलमोस्ट 12.10 लाख पड़ जाता है ऑन रोड गुवाहाटी की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा महंगा है बट ये अच्छा आपको रेंज वेंज मिल जाएगा और अच्छे फीचर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो ओवरऑल फ्रंट का आप लुक देख सकते हैं, बीच में आपको फुल पियानो ब्लैक फिनिशिंग वो सब मिल जाएगा, न्यू टाटा का लोगो, डॉट ईवी की ब्रांडिंग, ये सब भी यहाँ पे थोड़ा ट्रायर और पैटर्न वो सब दिया गया। हेडलैम्प्स की बात करें, यहाँ पे आपको फुल प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाएगा हेलोजन में, आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, वॉल्यूम फंक्शन सारी चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पे पायलट लैम्प्स भी आपको मिल जाता है और फॉग लैम्प्स आपको यहाँ पे हेलोजन ही मिलते हैं। LED DRS भी है नीचे। सो ओवरऑल फ्रंट से काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, कोई ज़्यादा इशूज़ नहीं है, थ्रो वो सब इज़ वेरी गुड। मोटर की बात करें, यहाँ पे आपको 55 किलोवाट का यहाँ पे मोटर मिल जाता है और 115 आपको न्यूटन मीटर्स का टॉर्क वर्क मिल जाएगा। एग्जैक्ट हॉर्स पावर आपको स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले करवा दूंगा। सो पावर टॉर्क इज़ वेरी गुड फॉर साइज ऑफ द कार, कोई भी इंसुलेशन वो सब नहीं है, अंडर बॉडी आपको कवरिंग वो भी नहीं मिलता। 24 किलोवाट का बैटरी है, IP67 रेटेड वो सब है। बैटरी और मोटर पे आपको 8 साल 1,60,000 किलोमीटर का वारंटी और गाड़ी पे आपको 3 साल या 1,25,000 किलोमीटर का आपको वारंटी वो सब मिल जाएगा। सेकेंडरी बैटरी ये सब यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग वो सब है, ABS मॉड्यूल आप देख सकते हो वहाँ पे, और यहाँ पे जो जो मतलब नेसेसरी कूलेंट वो सब है यहाँ पे डल जाता है सारी चीज़ें, वॉशर फ्लूइड वो सब। सो ओवरऑल साइड का आप लोग देख सकते हैं, ग्लास एरिया वो सब काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, यहाँ पे मैट ब्लैक ट्रीटमेंट वो भी है, नॉर्मल आपको एंटीना मिलता है, शार्क फिन एंटीना वो सब नहीं है, और कार अनलॉक लॉक करने पे आपको ऑटो फोल्ड वो सब मिरर्स हो जाता है। यहाँ पे डॉट ईवी की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, रिक्वेस्ट सेंसर वो सब नहीं आता बट यहाँ पे थोड़ा आपको ऐसे डोर्स में पियानो ब्लैक फिनिशिंग थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और मेन चीज़ टायर्स पे आते हैं, सो देख सकते हैं आप ऐसे आपको यहाँ पे एरो स्टाइल यहाँ पे आपको व्हील कैप्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं है, व्हील कैप्स ही है, और प्रोफाइल है इसकी 175/65 R14 इंच के आपको टायर्स मिल जाएंगे। फ्रंट में आपके पास डिस्क, रियर में ड्रम, ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा बट बैटरी एक्चुअली नीचे प्लेस्ड है, उससे आपको टियागो जो नॉर्मल आता है उससे थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे कम हो चुका है थोड़ा बहुत, बट साइज से एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर तो मतलब कमाल का है ही आपके पास। और यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट है, मैं आपको अभी खोल के ये सब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको AC DC दोनों चार्जिंग यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एग्जैक्ट टाइम आपको मैं सारी चीज़ें एग्जैक्ट जो टाइम लगता है आपको स्क्रीन पे अच्छे से डिस्प्ले हो जाएगा। अर्थिंग वर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए वरना बीच में ये चार्जिंग वो सब रोक देता है। सो वाला रियर का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप वो सारी चीज़ें, न्यू टाटा का लोगो, यहाँ पे Tiago.ev की ब्रांडिंग। चाबी डाल के आप इसका बूट खोल पाएंगे या अंदर भी लीवर मिलता है उससे भी खुल जाता है। यहाँ पे कैमरा का प्लेसमेंट और टोटल आपको यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 4 एटलीस्ट होने चाहिए थे। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ट्रीटमेंट, अंडर बॉडी देख सकते हैं प्रॉपर ग्राफ को, टोइंग हुक भी नीचे मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ऐसे फुल हेलोजन यहाँ पे टेल लैंप्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हेलोजन मिल जाएगी। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें, सो 24 किलोवाट की यहाँ पे आपको बैटरी वो सब मिल जाती है, 200 से 250 के बीच में इसका आप क्लेम्ड आपको मतलब रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाएगा, क्लेम्ड ऑलमोस्ट 315 वो सब होता है बट उतना आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और 7.2 किलोवाट वाला आपको एग्जेड प्लस आपको मिल जाएगा वो चार्जर। सो वो चार्जर के बाद आपको ऑलमोस्ट चार्ज करने में 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और बाहर अगर आप फास्ट चार्ज करवाते सो वो 1 से 1.10 घंटे के बीच में फुल चार्ज वो सब हो जाएगा। और जो 15 mAh का जो चार्जर है ना उससे चार्ज करने में ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे ये लगा देगा। सो 7.2 किलोवाट वाला ले लीजिए बट उससे ज़्यादा हमेशा चार्ज मत कीजिए, 15 mAh से भी कभी कभी आप चार्ज कर लिया कीजिए। सो उससे मतलब बैटरी हेल्थ पे ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म में। बूस्ट स्पेस की बात करें, आपको ऑलमोस्ट 240 लीटर्स का यहाँ पे स्पेस वेस मिल जाता है, ये इसका 7.2 किलोवाट वाला चार्जर है। उसके बाद आपको 15 mAh का वो चार्जर तो मिल ही जाएगा प्लग वाला, अर्थिंग वर्थिंग अच्छा होना चाहिए वरना मतलब बीच में चार्जिंग वो सब रोक देता है। और टायर मोबिलिटी किट भी है क्योंकि इस मतलब टियागो ईवी में आपको कोई भी स्पेयर व्हील नहीं मिलता, ये सब अच्छे से यहाँ पे कवर कर दिया गया है। आपको कोई भी लाइट वेट नहीं मिलता विच इज़ क्वाइट शॉकिंग, लाइट एटलीस्ट होना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पे बट वो नहीं है, ये सब भी यहाँ पे थोड़ा एक्सपोज रखा गया। प्रॉपर पार्सल ट्रे ये सब अच्छे से कवर्ड है, आपको अच्छे से मतलब मटेरियल क्वालिटी वो सब वेरी गुड। यहाँ पे आप हाथ डाल के इसका बूट बूट खोल पाएंगे और इन सीट्स को आपको सिंगल पीस में फोल्ड वोल्ड करना होगा। सो यह प्रैक्टिकल बूट है, एक मीडियम और एक स्मॉल बैग यहाँ पे इजीली आ जाएगा। सो ओवरऑल रियर डोर का लुक वही ब्लैक बेज कॉम्बिनेशन, ये सब हार्ड प्लास्टिक्स, पावर विंडोज के कंट्रोल, पावर विंडोज पूरे नीचे नहीं जाते और टोटल आपको यहाँ पे 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, टॉप वेरिएंट में 4 ट्विटर भी आपको मिल जाते हैं, 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी यहाँ पे। गाड़ी में चढ़ना उतरना कोई इशू नहीं है, अच्छी खासी ओपनिंग। सीट्स की बात करें, फुल फैब्रिक सीट्स ऐसे ट्रायरो पैटर्न वो सब के साथ, आइसोफिक्स साइड सीट माउंट्स पे फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको मिल जाएगा। और 20 के पैसेंजर्स के लिए अभी भी आपको यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिल रहा।
सो ये चीज़ों पे थोड़ा टाटा को ध्यान देना पड़ेगा, बट बाकी सब ठीक है। सो ये अब अंदर चलते। सो लेगरूम की बात करें, मुझे अच्छी लेगरूम मिली। अंदर थाई सपोर्ट इज डिसेंट, बट टियागो जो नॉर्मल वाला आता है उसमें ज़्यादा अंदर थाई सपोर्ट होता है, क्योंकि बैटरी इसका फ्लोर में ही प्लेस्ड है। सो फ्लोर बोर्ड थोड़ा उठ चुका है, उसकी वजह से अंदर थाई सपोर्ट उतना अच्छा यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको बॉटल स्पेस वो सब मिल जाएगा। फ्लोर में थोड़ा हम्प है और दो एडल्ट एक बच्चा ही कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं। डैम ग्रैब हैंडल्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको वाइट लाइटिंग मिल जाएगी और मैगजीन होल्डर भी आपको नहीं मिलता। और हेडरूम की बात करें, सो हेडरूम मुझे ठीक मिल रहा है, बट फिक्स्ड हेडरेस्ट है यहाँ पे। सो पीछे और थोड़े फीचर्स हो सकते थे, जैसे एक चार्जिंग पॉइंट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3.6 बेल सारे बिजनेस के लिए। सो ये सब चीज़ें होती तो मतलब कंप्लीट पैकेज हो जाता प्राइस को देखते हुए, बट क्या ही कर सकते हैं। सो फ्रंट में चलते हैं। सो ओवरऑल फ्रंट डोर का लुक वही ब्लैक बेज कॉम्बिनेशन, ये सब यहाँ पे आपका हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल, ड्राइवर साइड वाला आपको ऑटो डाउन मिल जाएगा, वन ऑटो ऑटो अप, चाइल्ड लॉक फॉर द मिरर्स। यहाँ पे थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट, 500 ml की बॉटल वो सब आ जाएगी। और टोटल आपको यहाँ पे 4 स्पीकर्स वो सब मिल जाते हैं। सीट्स की बात करें, यहाँ पे आप हाइट के लिए भी नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। फुल फैब्रिक सीट्स है ट्रायर और पैटर्न के साथ। ओवरऑल दे आर वेरी कंफर्टेबल। बैक सपोर्ट वो सब अच्छा मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वो सब आपको मिल जाता है। यहाँ से आप इसका बूट खोल पाएंगे और चार्जिंग सॉकेट वो आपको खोल के मैं दिखा दूंगा। यहाँ से इसका हुड और आपको प्रॉपर डेड पेडल वो सब मिल जाता है। यहाँ से आप अच्छी स्पेस वेस है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग। चाबी डाल के आपको इस वेरिएंट में आपको मतलब कार ऑन ऑफ करना है। सो लॉक अनलॉक कर पाएंगे और ऐसे हेडलाइट जला पाएंगे। फ्लिप की है और दूसरा आपको नॉर्मल की मिल जाता है। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आपको स्टार्ट स्टॉप वो सब होता है, इस वेरिएंट में वो सब नहीं है। सो ये अब अंदर चलते हैं। सो ओवरऑल डैशबोर्ड का लुक देख सकते हैं, प्लास्टिक क्वालिटी वो सब काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन है। ग्लव बॉक्स की बात करें, स्पेस अच्छी है, कूलिंग भी आपको मिल जाता है और टैबलेट होल्डर भी आपको मिल जाएगा। सो स्पेस वेस का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर थोड़ा वही ब्लू टिंस, थोड़ा यहाँ पे हेजलर का बटन। और इन्फोटेनमेंट की बात करें, वही 7 इंच का आपको इन्फोटेनमेंट मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे सारी चीज़ें हैं। और इसका यूआई को थोड़ा और इम्प्रूव किया जाता है, काफ़ी अभी स्लो लगने लगा है एज़ कम्पेयर टू न्यू जो टाटा के इन्फोटेनमेंट वो सब आते हैं। पार्क एसेस दिखा देता हूँ। सो देख सकते कैमरा क्वालिटी, एडेप्टिव गाइडलाइंस वो सब मिल जाते हैं, बट अच्छा खासा ग्रेन्स वो सब आ जाते हैं। और रात के टाइम में तो और भी थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं ग्रेन से रिलेटेड। म्यूजिक क्वालिटी वो सब बहुत अच्छी है, 4 स्पीकर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। इससे ऊपर एग्जिट प्लस टेक लक्स आता है, उसमें आपको 4 ट्विटर भी मिल जाएंगे, इस वेरिएंट में ट्विटर आपको नहीं मिलते। या से आप इसका रीजनरेशन वो सब चेंज कर पाएंगे, या से कम होता है या से ज़्यादा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये रीजन लेवल 1 पे है, उसके बाद 2, 3, ये मैक्सिमम 3 लेवल आपको यहाँ पे रीजनरेशन मिलता है। या से आप इसका फॉग लैम्प्स ऑन ऑफ कर पाएंगे, चार्जिंग गन को अगर आपको अनलॉक करना है और कार को लॉक अनलॉक करना है, ये सब यहाँ से हो जाता है। ये सब पियानो ब्लैक फिनिशिंग, FATC आपको मिल जाता है और इकॉन मोड भी है, सो बैटरी सेव हो जाता है उससे। AC की कूलिंग वो सब इज़ गुड। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग वो सब, यहाँ पे डायरेक्शन वो सब चेंज करने के लिए। यहाँ पे टाइप ए टाइप सी 12 वोल्ट का सॉकेट, और मेन चीज़ है टाइप सी आपको यहाँ पे 45 वाट वाला मिलता है। सो इससे आप यहाँ पे लैपटॉप वो सब भी चार्ज कर पाएंगे, अच्छा यहाँ पे स्पेस फोन रखने के लिए। और यह है गियर पोजिशन, देख सकते हैं गियर नॉब इसका R&D, और आपको स्पोर्ट्स मोड भी यहाँ पे मिल जाता है। ओवरऑल ठीक है, इनिशियली काफ़ी इशूज रहते कि गियर बीच में अटक जाता है, मतलब मोड्स चेंज नहीं होते और ज़्यादा धूप में मतलब विजिबल नहीं होता। सो वो सब शायद अभी ठीक हो चुका है, बट अभी भी तो विजिबल थोड़ा कम ही है। सो इसको भी थोड़ा रीडिज़ाइन का थोड़ा ज़रूरत है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग अच्छी, यहाँ पे आपको बॉटल स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे थोड़ा चाबी रखने के लिए स्पेस, मैनुअल हैंडब्रेक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बॉटल होल्डर वो भी है। और इस वेरियंट में आपको मैनुअल RVM मिलता है, एग्जैक्ट प्लस टेक लक्स में आपको ऑटोमेटिक RVM वो सब हो जाता है। और यहाँ पे कोई भी लाइट वाइट वो सब कुछ नहीं है। यहाँ पे मिरर मिल जाता है आपको, और यहाँ पे टोल टिकट होल्डर, ब्लूटूथ माइक के लिए प्लेसमेंट। स्टेरिंग की बात करें, नॉर्मल स्टेरिंग है, लेदर रैप इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। यहाँ पे ऑडियो के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, और न्यू टाटा का लोगो आप देख सकते हैं 2D में आपको ऐसे यहाँ पे मिल जाता है। क्वालिटी वो सब इज़ गुड। ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये से आप हेडलाइट लेवल कर पाएंगे, और स्टेयरिंग को आप सिर्फ टेल के लिए एडजस्ट कर पाएंगे, नॉट फॉर टेलीस्कोपिक। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर रीजन मोड, उसके बाद यहाँ पे कितना बैटरी परसेंटेज है वो, उसके बाद ट्रिप है, उसके डिटेल्स देख सकते हैं, किलोमीटर रेंज आपको दिख जाएगा, टेम्परेचर, डिजिटल स्पीड, गियर पोजिशन, उसके बाद पर वाट पर किलोमीटर वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, कौन सा डोर खुला है, कितने लोगों ने मतलब सीट बेल्ट पहना है कि नहीं, वो सब अच्छे से विजिबल हो जाता है। और इन बटन से आप चेंज कर पाएंगे सारी चीज़ें, ट्रिप बी के डिटेल्स, ओडो और सर्विस रिमाइंडर, ये सब आपको बेसिक यहाँ पे मिल जाएगा। ITPMS भी आ जाता है, सो वो थोड़ा अलग सिस्टम है, बट ठीक है, आपको ITPMS एटलीस्ट मिल तो जाता है। पैर रखने के लिए जगह अच्छी है, प्रॉपर डेक पेडल भी मिल जाएगा, बोनेट वो सब विजिबल नहीं है।
ए पिलर्स भी उतना ज़्यादा मोटे नहीं है। आउटसाइड ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड एडजस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे। सो फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, कुछ कॉस्मेटिक फीचर्स को छोड़ के यहाँ पे आपको टॉप वेरिएंट जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। सो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, आप जरूर इस वेरिएंट को देख सकते हैं। सो सेफ्टी की बात करें, यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग्स, एबीएस, सीबीडी, एसी, वो सब आपको मिल जाता है। हिल होल्ड भी अभी भी आपको टियागो में नहीं मिलता। सो ये चीज़ को जब मुझे मिसिंग लगी, कुछ और फीचर्स होने चाहिए थे सेफ्टी से रिलेटेड, स्पेशली इतने प्राइस पॉइंट पे आपको 3.0 सीट बेल्ट पीछे के पैसेंजर्स के लिए, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी जा सकती थी। सो ये कुछ चीज़ें मिसिंग है। सो टाटा को भी इन फीचर्स को थोड़ा देखना होगा, बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, स्पेस अच्छा है, फीचर्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। रेंज की बात करें, आपको 200 से 250 के बीच में यहाँ पे रेंज वाइज मिल जाएगा, थोड़ा कम है बट या क्या ही कर सकते हैं, आजकल कार्स काफ़ी महंगी हो चुकी है, स्पेशली ईवीज। पेट्रोल जो टियागो है उससे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख रुपये इसका महंगा है ज़्यादा। रिलायबिलिटी के ज़्यादा इशूज़ नहीं आते टियागो में और टिगोर दोनों में। सो आप ज़रूर इस कार को ले सकते हैं, अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी है आपके पास। सो यार, मैं आपको करता, आपको वीडियो पसंद है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।